हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम कब तक शुरू हो सकते हैं। और एक कैंडिडेट के द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग भेजा गया है, आप लोगों को उस कॉल रिकॉर्डिंग को भी सुनाने वाले हैं। तो रेलवे ग्रुप डी कैंडिडेट के द्वारा एग्ज़ाम डेट के लिए कई बार ट्विटर पर प्रोटेस्ट भी किया गया, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड कोई भी नोटिस नहीं जारी की गई है। जबकि कैंडिडेट की मांग है कि एक्सपेक्टेड मंथ भी जारी कर दिया जाए कि किस महीने ग्रुप डी एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं, लेकिन अभी तक RRB के द्वारा एक्सपेक्टेड मंथ भी जारी नहीं किया गया है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को हाल ही में जितने भी RRB को कॉल किया गया है और जितने भी RRB में जाकर कैंडिडेट द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके आधार पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम कब तक शुरू हो सकते हैं। RRB में कॉल करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिला है और RRB ऑफिस में जाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिला है, इसी के आधार पर आप लोगों को एक्सपेक्टेड बताने वाले हैं कि ग्रुप डी एग्ज़ाम कब तक शुरू हो सकते हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का अपडेट स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में जितने भी RRB को कॉल किया गया है, एक कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों को आगे भी सुनाने वाले हैं। और RRCB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड, जिसका ऑफिस दिल्ली में है, सबसे मेन आपका यही है, दोनों के अनुसार दोनों का यही कहना है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट के द्वारा जब RRB में जाकर पूछा गया है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम कब तक शुरू हो सकते हैं, तो उनका भी यही कहना है कि 2 से 3 महीने में ग्रुप डी एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। तो इन सभी कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार यह लगता है कि अगर ग्रुप डी एग्ज़ाम NSEIT लेती है तो ग्रुप डी एग्ज़ाम आपका नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर से शुरू हो सकते हैं। नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर से ग्रुप डी एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं अगर ग्रुप डी एग्ज़ाम NSEIT लेती है तो, क्योंकि NSEIT भी दूसरा एग्ज़ाम अभी करा रही है और नवंबर लास्ट तक NSEIT भी खाली नहीं है। अगर NSEIT ग्रुप डी एग्ज़ाम लेती है तो ग्रुप डी एग्ज़ाम आपका नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर से शुरू हो सकते हैं। अगर ग्रुप डी एग्ज़ाम आपका TCS लेती है तो ग्रुप डी एग्ज़ाम जनवरी 2022 के बाद ही शुरू होंगे। अगर ग्रुप डी एग्ज़ाम TCS लेगी तो ग्रुप डी एग्ज़ाम जनवरी 2022 के बाद ही शुरू होंगे, क्योंकि TCS जनवरी 2022 तक बिल्कुल भी खाली नहीं है। अगर TCS ग्रुप डी एग्ज़ाम लेती है तो ग्रुप डी एग्ज़ाम आपका जनवरी 2022 के बाद ही शुरू होंगे। तो इस बार यही लगता है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम आपका NSEIT ही लेगी और ग्रुप डी एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2021 से शुरू हो सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को वे कॉल रिकॉर्डिंग सुना देते हैं और आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में कहा गया है कि 1 से 1.5 महीने के बाद कुछ हो सकते हैं, इसलिए आप लोग ये कॉल रिकॉर्डिंग पूरा सुनिएगा। तो चलिए आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। गुड इवनिंग सर, RRB मुंबई बोल रहा हूँ। सर, ये RRC ग्रुप डी के रिगार्डिंग कोई नोटिस है क्या? वो अपना हमारा वेबसाइट देखते रहिए, वेबसाइट के ऊपर जैसे ही इंस्ट्रक्शन डेट फिक्स हो जाएगी हम वेबसाइट पे अपडेट करेंगे। वेबसाइट है rrbmumbai.gov.in। सर वो तो वेबसाइट विजिट कर ही रहे, फिर भी आपको करते रहना है, जब रेलवे बोर्ड से हमें इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे तो हम उसको अपने जो साइट है उसके ऊपर अपडेट करेंगे, और उसके बाद जो है जब भी आपका फोन आएगा तो हम बताया भी करेंगे, चलो भाई ये डेट फिक्स की गई है। अभी तक क्योंकि डेट फिक्स नहीं की गई है इसके लिए हम बता नहीं सकते। हाँ, और सर, फिर भी 3-4 महीने में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आएगा। 3-4 महीने में? हाँ, महीने में, अभी अभी तो कुछ नहीं। उस हिसाब से तो 2022 चला जाएगा। हो सकता है 2022 में ही हो, लेकिन आज अगर हम बताएंगे कि एग्जाम कब होने वाला है तो आज की तारीख में और एग्जाम की तारीख में 1-1.5 महीने का फर्क रहेगा।